नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में आज बहुत कुछ स्पेशल है, इतना स्पेशल जिसमें जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे आपस में टकराने लगे। रिश्तों की तकरार तो पहले से दिखाई दे रही थी, मुख्यमंत्री की चुप्पी भी दिखाई दे रही थी, तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी का दुबई दौरा भी दिखाई दे रहा है, एक साथ दुबई में मौजूद होना भी दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी के टास्क मास्टर नंबर दो माने जाने वाले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो नरेंद्र मोदी को देवताओं का देवता कहते हैं, वो पटना पहुंचे हुए हैं। भाजपा नेताओं की क्लास लगाई जा रही है, दो मुद्दों को लेकर क्लास लगाने की चर्चा है। पहला, सदस्यता अभियान इतनी मंथर गति से क्यों चल रहा है, क्यों लोग सदस्य नहीं बन पा रहे हैं? और दूसरा, कंधे झुकाकर गठबंधन में नहीं रहना है, बराबरी के साथ रहना है। और इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो ट्विटर पर जाते ही सांडिल्य गिरिराज सिंह हो जाते हैं, वो नवरात्र में सरकारी स्कूलों में सभी 10 दिनों की छुट्टी की मांग कर रहे हैं। जदयू की तरफ से भी जवाब दिया गया है और कहा गया है कि नवरात्र में अपने व्यक्तिगत ऐच्छिक कोष से गिरिराज सिंह, जैसा जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने ट्वीट किया है कि अपने ऐच्छिक कोष से पूरे बिहार में फलाहार का इंतजाम कराए गिरिराज सिंह, वो सक्षम व्यक्ति है। लेकिन सवाल ये है कि गिरिराज सिंह पहले नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन जो केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गजेटेड डिपार्टमेंट है, सारे केंद्रीय सचिवालय से लेकर तमाम रेलवे से लेकर हर जगह 10 दिन की छुट्टी क्या वो करा रहे हैं कर्मचारियों की, जो बिहार सरकार से डिमांड कर रहे हैं? बिहार में राजनीतिक रिश्तों की डोर कहाँ जाकर बधी है और कहाँ बिखर रही है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। सीधा बताइए, एक हलचल दुबई में, एक हलचल पटना में। पटना पहुंचे जेपी नड्डा, भाजपा कार्यकर्ताओं को क्लास लगा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। सदस्यता अभियान क्यों धीमा है, खैर वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन मनीष वर्मा बिहार के दौरे पर निकल गए, जनता दल यूनाइटेड की अपनी तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ जो अंदर खाने से संकेत मिले हैं वो आपको मैं शब्द सब बता दूं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो जानकारी यही है, गठबंधन में कंधे झुकाकर नहीं रहना है, चुनाव लड़ना है बराबरी के हक के साथ, बराबरी के व्यवहार के साथ लड़ना है। जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव लड़े तो और भी अच्छा है, ध्यान रखिएगा, और भी अच्छा है। कहने का मतलब यह है कि सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है कि लड़े तो और भी अच्छा है, तो लड़े तो और भी अच्छा है कहने का क्या मतलब है? मतलब नहीं लड़े तो कोई बात नहीं, एकला चलोरे के लिए तैयार है। और उधर चिराग पासवान राघोपुर जाने वाले थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। कहा गया कि मुख्यमंत्री आवास से तलब किया गया था इन लोगों को, यानी जो चिराग पासवान नीतीश कुमार को हटाने की कसमें खा रहे थे 2020 में, वो अब तलब कर लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास। क्या सियासत बिहार में चल रही है? उधर ट्विटर पर मौजूद केंद्रीय मंत्री, जिनका ट्विटर पर नाम सांडिल्य गिरिराज सिंह है, सांडिल्य गिरिराज सिंह ट्विटर वाले 10 दिनों की छुट्टी मांग रहे हैं नवरात्रा में। क्या लग रहा है ऐसा आपको कि नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे? भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल कह रहे हैं यूपी में जैसे लव जिहाद और पता नहीं और क्या क्या कह रहे हैं, बुलडोजर न्याय सिस्टम और क्या क्या, जिसकी दुहाई वो दे रहे हैं, तो इनकाउंटर वही व्यवस्था बिहार में भी उनकी इच्छा है। जवाब जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने दिया है, कहा है कि बिहार में कानून सम्मत राज चलेगा, बिहार में भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप राज चलेगा, कोई लव जिहाद और कोई भी तलाक जिहाद नहीं चलेगा, बिहार में चलेगा तो कानून का राज, बुलडोजर जस्टिस सिस्टम नहीं चलेगा। क्या है इन बयानबाजियों के बीच जेपी नड्डा की पटना में दिए गए कड़वी घुट्टी का मतलब? देखिए, तमाम जो संकेत मिल रहे हैं अभिषेक जी, उससे तो स्पष्ट है कि जेडीयू भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने जो क्लोज डोर मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं और विधायक सांसदों मंत्री को कहा है कि झुकना नहीं है, झुकेगा नहीं, कंधा बराबर होना, बराबर मतलब बीजेपी को जेडीयू का साथ चाहिए लेकिन कंधा झुका के नहीं।
तो झुकेगा नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है, झुकना नहीं है रे बाबा, झुकना नहीं है, क्योंकि आपने अपने इनिशियल कमेंट में ही आपने बताया कि स्पष्ट जेपी नड्डा ने ये मैसेज दिया है कि जेडीयू का साथ चाहिए, जेडीयू का साथ चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी बराबर का चाहिए। और मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं बीजेपी पर कि भैया लोकसभा में आप 17 सीटों पर लड़े, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी के तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, आप तमाम डेवलपमेंट देख लीजिए, मैं आपको गिना देता हूँ। तमाम उन नेताओं को फिर से घर में घर वापसी कराई जा रही है जेडीयू की तरफ से, जो कभी जेडीयू के मजबूत नेता हुआ करते थे, चाहे वो अरुण बाबू हो। अरुण बाबू ने तो कल ही स्पष्ट कर दिया है कि जो जहानाबाद में जो बाई इलेक्शन होंगे, यदि होंगे तो जेडीयू उम्मीदवार को हम सपोर्ट करेंगे जी। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा किसने भिजवाया? उपेंद्र कुशवाहा को बिल्कुल नीतीश कुमार के भाषा बोल रहे हैं। जैसे ही अशोक चौधरी का बयान आया, बयान मतलब बयान को आप कैसे लेते हैं मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, लेकिन जैसे ही बयान आया नीतीश कुमार के डिफेंड में उन्होंने बयान दिया, या आज भी वो शायद बेतिया या बघा गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, और 2005 के बाद यानी नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने तब से आप देखिए कितने चीजों में बदलाव आया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तमाम उन चीजों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम इन चीजों से एक प्रेशर पॉलिटिक्स। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स मुझको आप नहीं भी कहिए, हर पार्टी की इच्छा होती है कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, पार्टी को मजबूत करें, पार्टी की जो संख्या बल है उसको बढ़ाएं। लेकिन बीजेपी का भी दूसरी तरफ ये कहना है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, यदि वो जेडीयू की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो क्या मैसेज जाएंगे? नंबर वन। नंबर दो, उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि एक तरफ चिराग पासवान बिहार के यात्रा पे हैं, तेजस्वी यादव बिहार के यात्रा में हैं, हालांकि बीच में दुबई गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा बिहार के यात्रा में हैं, नीतीश कुमार के तरफ से मनीष वर्मा बिहार के यात्रा में हैं। तो आप लोग क्या घंटा बजा रहे हैं? मतलब कहने का अर्थ ये तो नहीं शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया होगा कि आप लोग हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए हैं। तो ये स्पष्ट मैसेज है कि आगामी विधानसभा चुनाव हम जेडीयू के साथ लड़ेंगे, लेकिन दबाव में नहीं, हिस्सेदारी बराबर का चाहिए जी। और ये चार घंटे का जो दौरा हुआ है, मुझे लगता है कि पटना के बाद वो हैदराबाद निकलेंगे, हैदराबाद में उनका पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है। और देखिए पिछले बार जब आए थे 7 सितंबर को यदि मैं सही हूँ तो नीतीश कुमार से क्लोज डोर मीटिंग हुई थी, इस बार आए हैं किसी भी जेडीयू के नेता से अन्ना मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है जी। ये अभी तक बड़ा सरप्राइजिंग है, हो सकता है शाम तक कहीं हो जाए। नहीं, 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 तो दो बार मुलाकात हुई थी उनका कुछ घंटों का ये कार्यक्रम है, उसके बाद वो हैदराबाद के लिए निकल जाएंगे जी। ऋषि जी एक चीज इसमें समझनी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, आप सोचिए जनता दल यूनाइटेड की क्या ताकत हुआ करती थी 2013 के पहले जब नीतीश कुमार एनडीए में थे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बिहार से एक तो अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने पर रोक लगा दी थी, पता होगा कई देशों ने नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री को वीजा देने पर रोक लगाई थी, मालूम है ना। अब की स्थिति, उस समय की स्थिति क्या थी, बिहार आने के लिए देश के किसी भी नागरिक को वीजा पासपोर्ट क्या जरूरत नहीं पड़ती है, पढ़नी भी नहीं चाहिए, किसी देश के अंदर नहीं पड़ती है, राष्ट्र एक है। लेकिन बिना नियम के ही नरेंद्र मोदी को बिहार में कभी इलेक्शन कैंपेन के लिए वीजा पासपोर्ट से भी कड़ा अघोषित नियम नीतीश कुमार ने लगा रखा था। कहा भी जाता था कि वहां एक मोदी पहले से मौजूद है तो दूसरे मोदी की क्या जरूरत है, लेकिन बिहार में चुनाव प्रचार करने नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री घुस नहीं सकते थे। एक बार आए भी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पटना तो क्या बवाल हो गया, भोज भी कैंसिल हो गया, अंगिया देके बीजे गायब हो गया, आपको मालूम ही होगा। अब वो स्थिति है कि पटना में आकर ये कहा जा रहा है कि नहीं, बराबरी से कंधे झुकाकर नहीं रहना है,
ये किस तरह की भाषा है, यूपी जैसा सिस्टम लाइए, ये कहा जा रहा है। उधर से वो कह रहे हैं कि 10 दिन की नवरात्रा में छुट्टी दीजिए, कल को वैसी साहब आके या उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति कहेगा फिर रमजान में 30 दिन की छुट्टी दीजिए, वो नवरात्रा में 10 दिन की मांग रहे हैं। तो यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता है एक ही धर्म में, और ये बहुधर्मी देश है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष यहाँ का समाज है, और उस समाज के बीच में तब तो 365 दिन के 365 दिन छुट्टी होगी। आज तक कभी किसी भाजपा नेता का नाम बताइए कहा कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है स्कूल में, किसी ने इस पर सवाल उठाया और ट्वीट किया और पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, छुट्टी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार के अधीन जो केंद्रीय मंत्रालय है, केंद्र सरकार के विद्यालय है, उसमें क्यों नहीं गिरिराज सिंह मांग करते, तो कैबिनेट के मेंबर है, कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं, क्यों नहीं कहते वहां जितेंद्र सिंह कार्मिक मंत्री से, क्यों नहीं कहते नरेंद्र मोदी से कि आप 10 दिन की छुट्टी नवरात्रा में दीजिए, पहले वहां तो कराइए, राह बतावे से आगे चढ़े चले, भोजपुरी में कहावत है कि पहले आप रास्ता तो दिखाइए तब तो दूसरे लोग आगे चलेंगे, केंद्र की छुट्टी तो डिक्लेयर कराइए कि क्या कर रहे हैं, उधर से फलाहार कराए अपने पैसा से, अरविंद निषाद जेडीयू प्रवक्ता कह रहे हैं, ये क्या वाकयुद्ध चल रहा है जेडीयू भाजपा में। कई विषय को लेकर मतांतर है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप खालिद अनवर का बयान आपने देखा होगा, आप ही के मुतियारी से वो आते हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, एक दो बार मेरे साथ डिबेट में बहुत सभ्यशाली आदमी है, उन्होंने भाग भी लिया था, बहुत सभ्यशाली आदमी है। तो और कल मैंने कहा भी, जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, एक न्यूज चैनल के डिबेट में थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये बिहार है, यहाँ नीतीश मॉडल चलता है, योगी मॉडल नहीं चलता है, यहाँ इनकाउंटर मॉडल नहीं चलता है, यहाँ संविधान और कानून से राज चलता है, यहाँ बुलडोजर राज नहीं चलता है। तो ये स्पष्ट है, तमाम विषयों को लेकर जो मतांतर है, आपने देखा कि बीजेपी कोटे से आने वाले एक मंत्री ने एक स्टेशन के नाम बदलने की मांग की, उन्होंने की थी, तो जेडीयू की तरफ से क्या रिएक्शन आया। और आपने जो इनिशियल में आपने जो सवाल किया नरेंद्र मोदी को लेकर, तो आपको तो अब मालूम ही होगा कि नीतीश कुमार जैसे ही नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री होती है, उस समय अध्यक्ष नितिन गडकरी थे, राजनाथ सिंह से पहले नितिन गडकरी थे, जब एंट्री हुई, एंट्री राजनाथ सिंह ने कराया, लेकिन जब चर्चा चल रहा था उस समय नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर उस समय नितिन गडकरी से कहा कि यदि ये डेवलपमेंट होंगे तो फिर जेडीयू बीजेपी का रिलेशन अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। और नितिन गडकरी हर जगह ये भरोसा अपने तमाम गठबंधन दलों के नेताओं को ये भरोसा दिला रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह नितिन गडकरी को पसंद नहीं करते हैं। जब ये अभियान चल रहा था कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाए, राष्ट्रीय राजनीति में, मैं थोड़ा इसलिए उस प्रसंग को छेड़ दिया हूँ कि जैसे ही ये चर्चा चला कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय राजनीति में अब लाना चाहिए, प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में इनको इनकी घोषणा होनी चाहिए, तो सबसे अधिक विरोध करने वाले नीतीश कुमार थे, और नीतीश कुमार के जो मांग था उसको साथ देने वाले कौन थे, नितिन गडकरी थे। तो इस बार तो टिकट के भी लाले 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 पर गए थे नितिन गडकरी का, सुने हैं कि एक नरेंद्र मोदी से जब बात हुई तब जाकर उनका टिकट डिक्लेयर हुआ। तो ये रिजर्वेशन हमेशा नीतीश कुमार का रहा है, और कई ऐसे मुद्दों पे मतांतर रहे हैं। आप गिरिराज सिंह छुट्टी को लेकर कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्या केंद्रीय विद्यालय जो केंद्र सरकार के अधीन है, क्या गिरिराज सिंह ऐसे अपील माननीय शिक्षा मंत्री से कर सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी से ऐसा 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 मांग कर सकते हैं कि भाई केंद्रीय विद्यालयों में भी 10 दिनों की छुट्टी दे दिया जाए, दो से बारह तक की छुट्टी दे दिया जाए। एक तरफ आप बिहार सरकार पे दबाव बना रहे हैं, आप खुद केंद्रीय मंत्री हैं, और इतने बड़े पद पे रहते हुए आप पब्लिक डोमेन में ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, तो आप एक तरह से सरकार को इंटेलेक्चुअल मैंने भाजपा में नहीं देखा, मैं एक तरह से सरकार को एक तरह से सरकार को आप जो है बैकफुट पे डाल रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट कह दूं, जेडीयू और सरकार की तरफ से स्पष्ट है,
और शिक्षा विभाग के तरफ से भी स्पष्ट है, ये जो 2 दिनों की जो छुट्टी की घोषणा हुई है उसमें न बढ़ोतरी होने जा रही है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा जो शिक्षा विभाग या बिहार सरकार ने स्टैंड लिया है उसी स्टैंड पे वो कायम रहेंगे जी। लेकिन ऋषि जी, व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि गिरिराज सिंह, मतलब उनको मैं सोमनाथ चटर्जी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, नरसिम्हा राव, इस लेवल का इंटेलेक्चुअल मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी नेता, पढ़ने लिखने वाला नेता मैं मानता हूँ। नहीं, वाकई भारतीय जनता पार्टी में विद्वान लोग कोई है तो गिरिराज सिंह से सीख लेनी चाहिए, इतने विद्वान। नहीं देखिए, मैंने एक लाइन में कहा ऋषि जी, सुन लीजिए, गिरिराज सिंह को मैं सोमनाथ चटर्जी, पीवी नरसिम्हा राव, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसों के स्तर पर का विद्वान मानता हूँ। क्या उनसे आप ये उम्मीद करते हैं कि इस स्तर की भाषा का प्रयोग वो करेंगे और इस स्तर की बात करेंगे? देखिए छुट्टी को लेकर, दो बातें हैं कि पूर्व में इसी एनडीए सरकार ने 10 दिनों की छुट्टी दी है बिहार में। जेडीयू बीजेपी की सरकार पूर्व में दुर्गा पूजा में 10 दिनों की छुट्टी दी है, लेकिन इसका एक तर्क ये है कि यदि 10 दिनों की छुट्टी शिक्षा विभाग में शिक्षकों को दे दिया जाए तो तमाम बिहार सरकार के जो राजकर्मी हैं वो भी ये कहेंगे, मैं भी तो राजकर्मी हूँ, मैं भी तो बिहार सरकार के अधीनस्थ काम करता हूँ, तो हम लोगों को छुट्टी क्यों नहीं मिलना चाहिए? फिर बैंक वाले कहेंगे कि भैया हमें तो 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी मिलती है, हमें भी 10 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, हम भी नवरात्रा करते हैं, हम भी फास्टिंग करते हैं, हम भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। और किसी अधिकारी ने बिल्कुल सही कहा है कि यदि हम शिक्षा विभाग में 10 दिनों की छुट्टी दे दें तो तमाम तमाम राजकर्मी जो है बिहार के राजकर्मी कहेंगे भैया जब शिक्षकों को छुट्टी दे रहे हैं तो हमें भी छुट्टी दीजिए जी। लेकिन शिक्षकों के तरफ से भी मेरा एक पॉइंट है, मैं जो कहना चाहता हूँ, जितना काम शिक्षकों से लिया जाता है उतना काम किसी भी कर्मचारी से नहीं लिया जाता है। कोरोना हुआ, आप इन्हीं शिक्षकों को ड्यूटी लगा दीजिए, चुनाव हुआ, शिक्षकों को ड्यूटी में लगा दीजिए, कुछ भी हुआ है शिक्षकों को ड्यूटी में लगा दीजिए, जनगणना करवाना है शिक्षकों को ड्यूटी में लगा दीजिए, कोई सर्वे करना है शिक्षकों को ड्यूटी में लगा दीजिए, पोलियो ड्रॉप तो भैया। तो मेरा ये भी मानना है, देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि शिक्षकों को 10 दिनों की छुट्टी मिलती है तो तमाम राजकर्मियों को भी छुट्टी 10 दिनों की मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार से ये भी अपील है, क्या आप जो बैंक एम्प्लॉय होते हैं, हालांकि बैंक एम्प्लॉय केंद्र सरकार के अधीनस्थ होते हैं, तमाम राज्य सरकार के जो कर्मी हैं, जितना शिक्षा विभाग से संबंधित लोगों का दोहन करते हैं, क्या अन्य विभाग के लोगों का दोहन करते हैं, क्या उतनी ही तन्मयता से उन तमाम विभागों के लोगों को आप अन्य कामों में लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान हमारे सरकार को रखना चाहिए। जी ऋषि जी, आपने चूंकि अब थोड़ा विषय अंतर हो जाएगा लेकिन कहना जरूरी हो जाता है, आपने बैंक कर्मियों का जिक्र किया, आप कभी जा करके देखें, लोग कहते हैं प्राइवेट बैंक में, एक प्राइवेट बैंक के कर्मचारी पर औसतन 18-20 कस्टमर का लोड है और एक सरकारी बैंक के एक कर्मचारी पर औसतन 750-800 कस्टमर का लोड है, आपको जानकारी होनी चाहिए, इतने कस्टमर है वहां। और लोग कहते हैं कि प्राइवेट बैंक में बड़ी अच्छी सुविधा मिलती है, अरे वहां कस्टमर ही नहीं है ज्यादा तो सुविधा क्यों नहीं मिलेगी? सरकारी बैंक के कर्मचारियों की सैलरी को आप देखें, मतलब जो स्केल 2 स्केल 3 का बैंक पीओ है कितनी सैलरी उसकी होगी, 1 लाख के आसपास, 5-10 हजार कम 5-10 हजार ज्यादा, और उसकी खटाई यदि आप देखेंगे कि कितना खट रहा है वो कर्मचारी, कितनी मेहनत कर रहा है, मतलब सुबह 9 बजे बैंक में घुसता है तो घुसने का समय पता है बैंक वालों का, वो 12 घंटे की नौकरी कर रहा है कि 14 घंटे की नौकरी कर रहा है, रात रात भर वहां रुक करके जब तक वो काम निपटाएगा नहीं तब तक वो घर जाएगा नहीं, ताला लगेगा नहीं, आप सोचिए, मतलब आपको रोना आ जाएगा उन बेचारे बैंक कर्मियों की दुर्दशा को देखकर, आप कभी बैंक ब्रांच में चले जाए तो। मैं समझ गया आपका सवाल, यही सवाल तो मेरा सरकार से है कि बैंक में नए लोगों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, एक लोगों पे इतनी इतनी जिम्मेवारी क्यों है, इतना प्रेशर क्यों है? ऐसा ही स्थिति पुलिस विभाग में है, हमारे जो पुलिस विभाग के जो
अधिकारी हैं या पुलिस विभाग के जो लोग हैं उनको आप संडे को भी छुट्टी नहीं होता उनको जी, पुलिस वालों की स्थिति बताइए, मतलब आप हमारे पुलिस वाले भाइयों की स्थिति आप देखिए, उनका छुट्टी ना संडे को होता है ना मंडे को होता है। तो मतलब आप मैं तो दिया गया है, मैं तो राज्य सरकार से कहूंगा जो आप पुलिस विभाग में भर्ती कीजिए एक, मतलब ये क्या है? आप कोई भी आदमी इंसान है, मशीन नहीं है, मशीन भी काम करते करते गर्म हो जाता है तो लोग बंद तय कीजिए ना, उनको भी सर्कुलर तय कीजिए। 5 दिन वो ड्यूटी करेंगे, 2 दिन छुट्टी करेंगे, 2 दिन उनके बदले दूसरे लोगों की शिफ्ट लगेगी। बिल्कुल, आप शिफ्ट कीजिए या फिर कर दीजिए महीने में, या फिर कर दीजिए कि महीने में 10-10 दिन की शिफ्ट बांट दीजिए कि इतने दिनों तक ये लोग ड्यूटी करेंगे, इतने दिनों, जैसे एसपीजी में ड्यूटी बंधी हुई है जो सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा देती है देश के टॉप, क्योंकि देखिए की शिफ्ट बटी हुई है आप दीजिए, क्योंकि पुलिस वाले भाइयों की आप स्थिति देखेंगे तो आपको मतलब सही करें दया आ जाएगी उन लोगों की स्थिति देख करके कि चाहे और इस देश में हम और आप सुरक्षित हैं, चाहे तमाम लोग कहें कि पुलिस भ्रष्ट है और ये है वो है, ठीक है भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में है, लेकिन उनकी मेहनत को यदि आप देखेंगे और उनकी मेहनत को यदि आप सार्वजनिक तौर पर देख करके बाकी चीजों की कोशिश को देखें तो आपको साफ साफ झलक जाएगा कि इस देश के अंदर पुलिस वालों की मेहनत का कोई स्थान ही नहीं है। हमारा सैनिक, आप पुलिस वालों के अलावा देखिए इस देश का मिलिट्री, हमारा सैनिक आप उसको 4 साल के लिए रख रहे हैं और भाजपा का एक नेता कहता है कि उसको उसके बाद हम गार्ड रख लेंगे अपनी पार्टी में। आप मिलिट्री की स्थिति देख लीजिए, -10 डिग्री -15 डिग्री में हमारा सैनिक हमारी सरहद की रक्षा करता है, क्या दे रही है सरकार उनको, ऊपर से उनको ऋषि जी आप बताइए, मैं आपको नहीं सवाल सुन लीजिए पूरा। आज मैंने कल मैंने देखा कि डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं राधा मोहन सिंह, उनको डिफेंस की कितनी समझ है? मुझे लगता है कि उनको डिफेंस की समझ मतलब किसी आर्मी जनरल से कम नहीं होगी। कृषि की कितनी समझ थी वो आपको मालूम ही है, और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने के लिए उनको 10वीं क्लास के स्टूडेंट के साथ बिठा दिया जाए तो नरेंद्र मोदी उनको राजनीति से संन्यास दिलवा देंगे, ये स्थिति है। अब उनको डिफेंस का चेयरमैन बनाया गया स्टैंडिंग कमेटी का, क्या कभी गिरिराज सिंह या किसी भाजपा नेता ने इस पर ट्वीट किया कि हमारे शिक्षकों की, हमारे बैंकर्स की, हमारे पुलिस वालों की, हमारी मिलिट्री वालों की, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट वालों की जो दुर्दशा है उस पर सरकार ध्यान दे? केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, पहले कहते थे तुष्टीकरण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, आप बहुसंख्यक तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं क्या? ये कौन सी मैं यही चीज एक लाइन में, क्योंकि विषय से विषयांतर हो जाएगा, मैं एक ही लाइन में कहना चाहूंगा, तमाम विभागों में चाहे वो पुलिस महकमा हो, स्वास्थ्य महकमा हो, शिक्षा विभाग हो, या हमारे बैंक कर्मी हो, आप एक सर्कुलर बनाइए ताकि जो हमारे जो तमाम विभागों में काम करने वाले लोग हैं उन पर प्रेशर ना आ सके। अब पुलिस विभाग देखिए ऐसा जनरली कहा जाता है कि हम थाने में गए और मेरे साथ बदतमीजी हुआ, आप ये नहीं देख रहे हैं कि उस थानेदार पे कितना प्रेशर है, कितना वर्कलोड है, कितना पॉलिटिकल प्रेशर है, कितना सामाजिक प्रेशर है। भैया आप सर्कुलर जारी कीजिए कि इतने घंटे ही काम करेंगे और वीक में आपको एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में देखिए डॉक्टरों पे कितना प्रेशर है, 8 घंटे का शिफ्ट है, आपको 16 घंटा काम करवाया जा रहा है जी। तो भैया आप एक तरफ दिखाएंगे कि हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है, दूसरी तरफ देखिए स्थिति क्या है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, अग्निवीर को लेकर कितना बड़ा मजाक है, और कितना बड़ा मजाक हमारे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भैया ठीक है 4 साल यहाँ काम करो, फिर आपको तो एटीएम और तमाम चीजों पे बड़े बड़े नेताओं के घर के सुरक्षा में बाहर हम सिक्योरिटी गार्ड में लगा देंगे। कितना बड़ा मजाक है, मैं उस केंद्रीय मंत्री से मांग करता हूं कि क्या आप अपने बेटे को ऐसे ऐसे कामों में लगाएंगे। और एक बात करके खत्म करता हूं, कल आपने राजस्थान का वीडियो देखा है, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे, और उस प्रेमचंद बैरवा के बेटे जिनके पास परिवहन विभाग है, उनके बेटे खुलेआम नियम कानूनों का धज्जी उड़ाते हुए जो वीडियो बना रहे हैं, और प्रेमचंद बैरवा किस प्रकार से अपने बेटे को डिफेंड कर रहे हैं कि मात्र हुआ 20 साल का है। भैया जो 20 साल का है तो आप नियम कानून नहीं मानेंगे क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री के बेटे हैं।
जी एक सवाल ये बनता है कि आखिर बिहार में नड्डा साहब पहुंचे हैं, राजनीतिक विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आपने पार्टी के नेताओं को इस तरह की उल जुलूल की बयानबाजी के लिए वो मना नहीं करते कि मत कीजिए, अन्यथा पार्टी आपको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर देगी? आप देखिए, आप एक 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 एग्जाम्पल समझिए। ये गिरिराज सिंह ऐसे बयान क्यों देते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा से संबंधित छुट्टी का मामला हो या अन्य ऐसे विषय को वो क्यों टच करते हैं? उससे उनको लाइमलाइट मिलता है। बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा आप समझ रहे हैं ना, हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये होता क्या है उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? वही तो गिरिराज सिंह बताएंगे ना क्या होता है, कि झटका और क्या खटका वाला मीट नहीं चलेगा, क्या 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 ऐसे ऐसे बयान देते रहते हो। ऋषि जी, उपनिषदों को पढ़िएगा तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है क्या, उसका भाव क्या होता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, ये पूरा श्लोक। ये तो कौन सा ये मेरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है कि झटका हलाल और नाम के साथ गोत्र जोड़ लेना? अब देखिए, तमाम लोगों का, बस बेचारे सुनील चौबे का टिकट कट गया, लेकिन गिरिराज सिंह का टिकट नहीं कटा। अब अश्विनी चौबे इस प्रकार के बयान नहीं देते थे, यदा कदा वो भी देते थे, लेकिन इस प्रकार गिरिराज सिंह, देखिए कोई भी रिएक्शन यदि कांग्रेस की तरफ से होता है तो काउंटर में रिएक्शन है। आप टीवी टीवी का फ्रेम देखिए, इधर यदि कांग्रेस की तरफ से कोई भी रिएक्शन आया तो दूसरा काउंटर में रिएक्शन देने वाला बीजेपी की तरफ से कोई होता है तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, और खासकर ऐसे मुद्दों पर। आप देखे हैं बेंगलोर में एक लड़की की हत्या हुई है, किस प्रकार से उसमें एक ऐसे धर्म से आने वाले युवक को फ्रेम किया जा रहा था, जबकि वो युवक कहीं से उस मर्डर में नहीं था। जी और किस प्रकार से बीजेपी के कई नेताओं का, और कई हमारे जो हमारे बिरादरी यानी पत्रकार बिरादरी से कई जाने माने एंकरों का उस पे बिना बिना सोचे समझे बयान और उस पे ट्वीट। जी और कातिल कौन आप देखिए निकला? ना, उड़ीसा का एक राय साहब है, वो कातिल निकले। नहीं आप देखिए तो एक कथित आरोप लगा, हालांकि उसमें मिला कुछ नहीं, शाहरुख खान के बेटे, चूंकि उसके नाम के साथ खान लगा है। और देखिए, इस देश के बड़े बड़े प्राइवेट पोर्ट्स पर से कितने ड्रग्स पुलिस ने बरामद किए, कई जगह तो गुजरात पुलिस ने बरामद किए। उस पर इन टीवी चैनलों की जुबान को लकवा मार गया था, क्योंकि इन चैनलों में उनका पैसा लगा है, उनकी हिस्सेदारी है देखिए पोर्ट देखिए अभिषेक जी, हमें राजनीति समझ में नहीं आती है, बहुत समझने का प्रयास करता हूँ कि देखिए, वैचारिक मतभेद होना अलग अलग बात है, पर। हमारा और आपका किसी विषय को लेकर मतांतर हो सकता है, लेकिन हम आपके करेक्टर पर सवाल उठाएं। बीजेपी में तो नहीं, ऐसे लोग हैं जो सर्वोच्च नेता, उनके सर्वोच्च नेता पे करेक्टर पर सवाल उठाया, कपिल मिश्रा आज वो बीजेपी का फायर ब्रांड नेता बना हुआ है, और ये कहीं और दिया हुआ बयान नहीं है, दिल्ली विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है। उस महिला आर्किटेक्टर से जोड़कर जो बिलो द बेल्ट, मैं मानता हूं इससे इससे गंदी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। जी, हम प्रधानमंत्री के ऊपर या किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, नहायत ही निंदा करने योग्य है। वो व्यक्ति आज भाजपा में है, और भाजपा में नहीं जी है, अच्छे पद पे है। प्रधानमंत्री हमारा गुरूर है, प्रधानमंत्री से किसी विषय को लेकर मेरा मतांतर हो सकता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के चरित्र पर कोई सवाल उठाएगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे व्यक्ति भाजपा में है, अच्छा ये बताइए ऋषि जी, एक लाइन में बताइए हमको कि आखिर इस देश की सियासत के अंदर इस तरह का खेल जब चल रहा है, और बिहार में जब गठबंधन की स्थिति एकदम अलग दिशा में जा रही है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का आज का बयान देख लीजिए कि भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना चाहती है। कल भाई वीरेंद्र का बयान तो मुझे और ज्यादा शॉकिंग लगा। भाई वीरेंद्र साहब कह रहे थे, मतलब बिहार विधानसभा के एक चर्चित विधायक है और बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हैं राष्ट्रीय जनता दल में, मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा मजबूती से विधानसभा में जनता के मुद्दों को शायद ही कोई रखता होगा। और कल वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब से भाजपा के साथ गए हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। वो नीतीश कुमार को दोष नहीं दे रहे हैं, भाजपा की संगत को दोष दे रहे हैं। मैं भाई मतलब वीरेंद्र के लिए एक बात भाई वीरेंद्र के लिए एक बात कह दूं आपको। जी भाई वीरेंद्र जिस पार्टी और जिस जाति से आते हैं,
जिस पार्टी और जाति से आते हैं उस दूसरे तरफ उस जाति के लोग इस जाति और पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र के लिए ये मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं सामाजिक समीकरण की बात कर रहा हूँ, मैं आप खोल के ही बोल देता हूँ। अब भाई वीरेंद्र यादव समाज से आते हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र को यादव समाज से अधिक भूमिहार मनेर के भूमिहार पसंद करते हैं जी, ये मैं कहना चाह रहा था जी। मैं जात पात में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि राजद सबके बीच जुड़े रहते हैं, जनरली राजद को भूमिहारों का वोट नहीं मिलता है जनरली, अब एक्सेप्शन कहीं जैसे वैशाली में मिला इस पर लोकसभा में, लेकिन मनेर में भाई वीरेंद्र के लिए यादव से अधिक सक्रिय वहां के भूमिहार भाई होते हैं जी, क्योंकि भाई वीरेंद्र भाई वीरेंद्र जो है सबको लेकर चलने वाले लोगों में से हैं। ऐसे नेता हर पार्टी में, ऐसा नहीं है कि राजद में ही है, हर पार्टी में ऐसे लेगा, ऐसे नेता हर पार्टी में। चलिए नहीं, वो जो बयान कल उन्होंने दिया, मेरा सवाल ये है कि जो बयान उन्होंने दिया कि नीतीश कुमार भाजपा की संगत में गए हैं तब जाकर के बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, वो नीतीश कुमार को नहीं भाजपा को सीधे सीधे दोष दे रहे थे। क्या लगता है राजद में जो नीतीश प्रेम है, और इधर बयानबाजियों का दौर शुरू है, कांग्रेस पार्टी साइलेंट मोड में आ गई है बिहार में, ये वेट एंड वॉच की स्थिति में, देखिए बिहार में दो ही लोग साइलेंट है, एक कांग्रेस पार्टी साइलेंट है और दूसरे नीतीश कुमार साइलेंट है, बाकी जिसको जो मर्जी बयानबाजी कर रहा है, क्या मतलब? देखिए एक बात, देखिए भाई वीरेंद्र के बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, खासकर राष्ट्रीय पार्टियों को लेकर, राष्ट्रीय पार्टियों को लेकर एक मेरा एक अपना एक रिजर्वेशन था कि कांग्रेस और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो असामाजिक तत्व जिनका बैकग्राउंड सही नहीं रहा है ऐसे लोगों से परहेज करती है। आपको याद होगा जब डीपी यादव को बीजेपी में शामिल कराया गया था, आनंद फानंद में फिर डीपी यादव को पार्टी से निकालना पड़ा, इसी तरह राजन तिवारी को लखनऊ में शामिल करा लिया गया था, लेकिन जैसे ही मीडिया का रिएक्शन आया उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से बाहुबलियों को पार्टी में एंट्री कराया जा रहा है, तो सवाल भाई वीरेंद्र उठाएंगे ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कि जेडीयू बीजेपी के साथ जब गई है, बीजेपी तो ऐसी नहीं थी भाई, सुनील पांडे कौन है ये आप सब जानते हैं, सुनील पांडे कौन है? हालांकि बाहुबली है सुनील पांडे, सुनिए ना पार्टी में मैं एक जब भाजपा, देखिए इससे पहले भाजपा पे आप आरोप नहीं लगा सकते थे, बिहार में बता दीजिए आप सुशील मोदी के टाइम में कौन से ऐसे बाहुबली हैं जो इससे बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा हो, इन दिनों ये ट्रेंड शुरू हुआ, मोकामा में आपने एक बाहुबली की पत्नी को दिया, तभी मैंने एक चैनल में कहा था 47 के विरुद्ध 47 पटक दिया गया है मोकामा में, तो मुकामा में एक बाहुबली की पत्नी को टिकट देते हैं, इधर जैसे ही जसवाल साहब अध्यक्ष बनते हैं इनको तो मैं शरीफ लोग मानता था, ये सुनील पांडे उनके बेटे का ऐसे स्वागत कर रहे हैं जैसे गांधीवादी, बहुत बड़े गांधीवादी हो, हालांकि सुनील पांडे ने अहिंसा में पीएचडी भी किया है, ये बता दूं अहिंसा में उन्होंने पीएचडी किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मेरा सवाल है, जेपी नड्डा से सवाल है कि ऐसे आप विश्व के सबसे बड़े पार्टी हैं, सबसे ताकतवर पार्टी है, सबसे लोकप्रिय चेहरा आपका है जैसा आप बता रहे हैं, फिर सुनील पांडे की क्या जरूरत है आपको? नहीं नहीं ऋषि जी, एक चीज हमको बताइए, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की चर्चा के नड्डा साहब तो आए हैं कि बिहार भाजपा को कैसे ऊपर ले जाया जाए, हर राजनीतिक दल को कोशिश करनी चाहिए अपनी पार्टी मजबूत करने की, कोई बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। बीजेपी पहले एक डॉक्टर साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाई, डॉक्टर साहब के बाद थोड़े दिन के लिए एक दूसरे आदमी भी बने, पगड़ी बांधते थे या पगड़ी नहीं बांधते, डॉक्टर साहब से काम नहीं चला, डॉक्टर साहब हटा दिए गए, और उसके बाद अब जो प्रदेश अध्यक्ष है वो डॉक्टर साहब इलाज नहीं कर पाए बिहार भाजपा का, तो मेडिकल कॉलेज वाले इलाज कर रहे आए हैं, सहयोग से दोनों जायसवाल, आप बताइए बिहार भाजपा अपना सोल्यूशन, एक लाइन में बताइए बिहार भाजपा अपना सोल्यूशन जायसवाल में, और डॉक्टर साहब से नहीं काम चला तो फिर मेडिकल कॉलेज के मालिक, क्योंकि वो डॉक्टर से ज्यादा बड़े, उनके अंदर तो अंडर में तो कितने डॉक्टर होंगे, तो डॉक्टर साहब इलाज नहीं कर पाए तो मेडिकल कॉलेज के मालिक ही इलाज कर देंगे, ये कौन सा सोल्यूशन बीजेपी ढूंढ रही है? देखिए ऐसे देखिएगा तो आपको बहुत से ऐसे चेहरे लग जाएंगे, लगेगा कि ये बीजेपी के बिहार के चेहरा है, लेकिन पैन बिहार किसी भी एक व्यक्ति में इतना दम नहीं है कि पैन बिहार उसका इम्पैक्ट हो, और मैं इस बात को बिल्कुल दमखम के साथ कहता हूं कि बिहार में भाजपा अपने
जो एक लीडरशिप पे काम करना चाहिए था उसमें मुझे नहीं लगता कि अब तक वो सक्सेस हुए। तो यही कारण है कि नीतीश कुमार उनकी मजबूरी है। एक तरफ वो नीतीश कुमार के सामने सीना तान के खड़ा रहना चाहते हैं, बराबरी का एहसास नीतीश कुमार को कराना चाहते हैं, ठीक है आपके पास नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे नेता हैं, लेकिन दूसरी तरफ रीजनल में देखिए तो सम्राट चौधरी भागलपुर से बाहर इम्पैक्ट नहीं है उनका, विजय सिन्हा का लखीसराय से बाहर इम्पैक्ट। अब विजय सिन्हा के कहने पर मुजफ्फरपुर के भूमिहार बीजेपी को वोट दे देंगे क्या, किसी उम्मीदवार को वोट दे देंगे क्या है? तो आप उस प्रकार के लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है आपको अग्रि जातियों का वोट मिलता है, दिल खोल के वोट करते हैं, लेकिन ठीक है यादव लालू यादव के साथ हैं, लेकिन गैर यादव में भी आप इम्पैक्ट नहीं बना पाए। सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाएं, लेकिन कुशवाहा समाज को जिस प्रकार से जुड़ना चाहिए भाजपा से, आप लोकसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए शाहबाद बेल्ट में क्या हुआ है जी। उसी तरह अति पिछड़ा में भी आपके पास चेहरे थे लेकिन आपने उनको घर बैठा दिया। अच्छा ऋषि जी हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं, आखिरी सवाल पर तो एक लाइन लीडरशिप देखिए कोई भी पार्टी, मैं एक बात कर खत्म करूंगा, कोई भी पार्टी यदि आप रीजनल लीडरशिप पे काम नहीं कीजिएगा तो एक समय के बाद आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। हरियाणा इसका ताजा एग्जाम्पल है। और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से राजनीति की है 14 से 24 तक के पीरियड में, उसमें तमाम जो रीजनल फोर्सेस हैं उनको खत्म कर दिया गया है। आप देखिए यदि वसुंधरा राजे को आप राजनीति से खत्म कर दीजिए तो आगामी चुनाव में कौन होगा अशोक गहलोत सचिन पायलट के सामने में? ये भजन लाल होंगे, ये प्रेमचंद बैरवा होगा। प्रेमचंद बैरवा तो पहली बार जीता, दूसरी बार चुनाव भी नहीं जीता, ये तीसरी बार में चुनाव जीता है। जी थोड़ा समय कम है, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं, एक लाइन में बताइए हमारे दर्शकों को, सीधे बताइएगा। बिहार में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के पास दूल्हा नहीं है बारात है, तो नीतीश कुमार को दूल्हा बना लेती है, लेकिन जितनी लचर स्थिति सदस्यता अभियान की उसको देखकर तो लग रहा है कि अब बाराती भी भाग गए हैं, किसमें दूल्हा ही नहीं है तो कितना दिन बाराती बने रहे, ये स्थिति क्यों बनी है? नड्डा साहब उस पर भी खफा हैं। यदि किसी बारात में दूल्हा नहीं होगा तो बारात क्या झुंझुना बजाएगा? अब बिना दूल्हे के बारात जिसके घर पे जाएंगे तो फिर कैसे स्वागत होगा? हम कहने की जरूरत नहीं है ऋषि जी, बिहार है, बिहार में अगर बारात में दूल्हा ना हो सिर्फ बाराती भी हो, लेकिन दिक्कत है बारात भाजपा की है जहां ज्यादातर लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और बिहार में अगर जाएगी बारात तो स्वाभाविक है कि बारात में तो मुर्गा मटन कुछ हड्डी उड्डी रहेगा, तब तो बिना दूल्हा के बारात में छोड़ो बारात में दूल्हा है या नहीं है, मुर्गा मटन मछली तो मिलेगा वो भी नहीं भैया। शेख जी कितने भोले हैं आप बारात लेके जिसके दरवाजे पे जाएंगे या दूल्हा नहीं रहेगा तो आपका स्वागत क्या चीज होगा? हम कर ही सकते हैं, अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते बिल्कुल। मेरे दरवाजे पे ही कोई बारात आ रहा है, दूल्हा ही गायब हो गया तो फिर हम क्या चीज स्वागत करेंगे? कहने की जरूरत है तो दूल्हा तो चाहिए ही, और बारात में भी समन्वय नहीं है, अलग अलग गुट है जी। नित्यानंद राय अलग है, सम्राट चौधरी अलग है, नित्यानंद सम्राट चौधरी में पटता है क्या? कहने की जरूरत है नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि बिना दूल्हे की बारात से बाराती भी गायब होने लगे? अब बिल्कुल, लेकिन बीजेपी ये चाहती है, और मुझे नहीं लगता है ये नरेंद्र मोदी का कौन सा राजनीति का स्टाइल है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मजबूत राज्यों में तो समझ में भी आता है, ठीक है आप अपने बलबूते खींच लीजिएगा, जहां आपका स्थिति कमजोर है आप अपने गोल्डन एरा में भी अपने बलबूते पे सरकार में नहीं आए उस राज्य में इस प्रकार का प्रयोग जी बिल्कुल आप तो सही बीजेपी के लिए। और नीतीश कुमार बीजेपी की इस कमजोरी को भली भांति समझते हैं, और जेपी नड्डा कुछ भी आके यहाँ कह दे कार्यकर्ताओं के मोरल बूस्टअप के लिए, अंत में डिसीजन मोदी को लेना है और मोदी जी को अपनी केंद्र की सरकार चलाना है, और केंद्र की सरकार के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू कितना महत्वपूर्ण है ये आप भी जानते हैं, और मुझे ये लगता है कि अंत में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में खासकर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में एज जरूर ले लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है, दरवाजे खुले हुए हैं, लालू यादव दोनों बाहें खोलकर स्वागत के लिए खड़े हैं कि भैया आ जाओ जी लो अपनी जिंदगी। नीतीश कुमार को लालू कह रहे हैं कि उधर दबाव है तो इधर आ जाओ जी लो जिंदगी खुल के जी, जितना सीट लेना है ले लो लेकिन आ जाओ।
चलिए अब देखिए, नड्डा साहब हैदराबाद जाने के पहले अब तक की सूचना के मुताबिक तो नीतीश कुमार से कोई मुलाकात नहीं है। हैदराबाद जाने से पहले हैदराबाद जाने से पहले पटना में बिरयानी खाते हैं निकाते मतलब नीतीश कुमार शाकाहारी है, आजकल शाकाहारी है, तो नीतीश कुमार जो है उनसे मुलाकात होती है तब भी ये बड़ी खबर है, नहीं होती है तो ये और बड़ी खबर है। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए हम इंतजार करते हैं कि नड्डा साहब की फ्लाइट कब पटना से टेक ऑफ होती है और उसके पहले वो एक अड़े मार्ग का रुख करते हैं या नहीं करते हैं। ऋषि जी, बिहार की ताजा तरीन राजनीतिक स्थिति पर आपने खुलकर चर्चा की, हमारे दर्शकों को तमाम अपडेट से अवगत कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।